नमस्कार मित्रों, जय महाबली। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से एक नई और ताज़ा वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 5 सितंबर मंगलवार आपकी राशि के महाराशिफल के बारे में कि 5 सितंबर मंगलवार के दिन आपके लिए कैसे रहेंगी, इस दिन कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आपका कैरियर बिजनेस कैसा चलेगा। साथ ही जानेंगे इस दिन किन चीज़ों में लाभ होगा, किन चीज़ों में फायदे होंगे, इस दिन आपका शुभ रंग और शुभ अंक क्या रहेगा। लेकिन उससे पहले आज के ग्रह नक्षत्र और पंचांग के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, आज दिनांक 5 सितंबर 2023 दिन मंगलवार, तिथि की अगर बात करें तो कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि 3:46 तक रहेगा और नक्षत्र है भरणी। आज का अभिजित मुहूर्त का समय दोपहर 12 बजे से लेकर 12:50 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का अशुभ समय 3:31 से 5:04 तक रहेगा। इस राहु काल में कोई भी नए कामों की शुरुआत ना करें। अब बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा की। तो सूर्य सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा 3:01 तक मेष राशि में रहेगा। उसके बाद मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में चले जाएंगे। दोस्तों, आइए बात करते हैं आपका दैनिक राशिफल और यह प्रेडिक्शन आपके चंद्र राशि पर आधारित है। वृश्चिक राशि वालों, दोस्तों आपकी कुंडली में यह दो बड़े ग्रह आपको सबसे पहले जॉब में प्रमोशन दिलाने का कार्य कर सकता है। जिस क्षेत्र में आप जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, अगर आप उसमें कोई स्थान परिवर्तन चाहते हैं, स्थानांतरण की योजना बना रहे हैं, तो यह कार्य आपका संपन्न करवा सकता है। अगला जो बदलाव आपकी ज़िंदगी में करने जा रहे हैं वो है आपके घर में जो परेशानियां, आर्थिक तंगियां लंबे समय से आपको परेशान करते आ रहे थे, तो उनको अब आपकी ज़िंदगी से दूर भगाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको भी थोड़ा सा प्रयास करना होगा, क्योंकि दोस्तों भगवान सिर्फ सहारा देते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य करते हैं, आपका मनोबल बढ़ाने का कार्य करते हैं। अगला कार्य आपको ही करना पड़ेगा। अगला जो बदलाव आपको देखने को मिलेगा वो है आपके बरसों पड़े अधूरे जो कार्य थे वह संपन्न कराएंगे और जो कार्य बनते बनते बीच में रुक जाता था, बीच में अटक जाता था, उसमें अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो बड़े ग्रह हैं कोई ऐसा वैसा नहीं है, कोई मामूली नहीं है, ये आपको हर तरफ से लाभ दिलाने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसे सिचुएशन में आप थोड़ा सा भी प्रयास कर लेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे सितारे कहते हैं, आज आप अपने कैरियर को नए सिरे से शुरू करेंगे और एक वक्ता से दूसरे तरफ आप अपना रुख अपना सकते हैं, क्योंकि ये नया अवसर आपको आगे बढ़ने के मौके दे सकता है। लेकिन धोखाधड़ी के प्रस्तावों से जो है आप सावधान रहें, कोई आपकी क्षमता और चतुराई अनुभूषित लाभ देने के लिए भी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, आपकी जो कार्यों में टांग अड़ा सकती हैं, ऐसे लोगों से आपको थोड़ा दूर रहना ही होगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि आज का दिन समृद्धि के नए कार्यक्रम शुरू करने के लिए बहुत अच्छा दिन कहा जा सकता है। अगर आप किसी नई परियोजना के बारे में काफ़ी जो फीचर में भी किसी नए नतीजे तक नहीं पहुंच पाए हैं, आज शुरू कर लें। आज आपको जो है शुरू करने से सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। आज होने वाली घटनाओं से आप वित्त संबंधित नज़रिए में भी बदलाव आएगा और नकारात्मकता कम होगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें, आपको यह बात बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि आपका स्वास्थ्य आपकी संपत्ति है और आपको इसका बहुत ध्यान रखना है। चाहे छोटी मोटी समस्या क्यों ना हो, आपको इसे नज़रअंदाज नहीं करना है,
क्योंकि जान है तो जहान है। अगर आप लापरवाही करेंगे तो यह एक बड़ा कारण बन सकता है और आपके लिए परेशानी का रूप बन सकता है। इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। आज स्वास्थ्य संबंधित कोई कार्यक्रम, कोई खेल या कोई अभ्यास कक्षा शुरू करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। तैराकी या पानी संबंधित कोई अन्य कार्यकलाप विशेष लाभकारी होंगी। अगर आप स्वास्थ्य संबंधित कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं तो उसकी सफलता की संभावनाएं बहुत अधिक होंगी। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, देखिए आज का दिन आपके संबंध के मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आप जो है अचानक अपने किसी करीबी को नए नज़रिए से देखना शुरू कर सकती हैं और इससे आपको अपने संबंध की दिशा से जुदा सही फैसला करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। अब आप बेजान हो चुके हैं, संबंधों से बाहर निकलकर उन संबंधों को समय देने के लिए खुद को तैयार पाएंगे जिन्होंने आपको मजबूत बनाया है और यहाँ तक इस मुकाम तक लेकर आया है। वहीं दोस्तों, आज किस्मत के सितारे कहते हैं कि आज बिना किसी कारण के जिद्दी बने हुए हैं और सबके कहने तथा अपने खुद के मन की भी नहीं सुनना चाहती हैं। आपको यह समझना है कि इस रवैये से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपको अपनी वर्तमान समस्याओं से पार पाने के लिए अपने दिल और दिमाग को खुला रखना होगा, तभी आप सभी पहलुओं को समझ पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। देखिए दोस्तों, जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, उड़ान भरनी है, तो आपको हल्का रहना होगा, क्योंकि वही उड़ा जा सकता है जो हल्का रहता है। इसलिए ज़्यादा तनाव, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, शांत मन से आपको कार्य करना है, तभी आप जो है कार्य में सफलता हासिल कर पाएंगे। वहीं दोस्तों, आपको अपने रिश्तों में ऐसा आभास हो रहा है कि सब कुछ सही है और ये रिश्ता काफ़ी मजबूत रहेगा और आगे तक जाएगा। ये रिश्ता शादी में भी बदल सकता है, लेकिन क्रियान्वयन करने से पहले थोड़ा शांत दिमाग से सोचें तब आगे बढ़ें। जो आप सोच रहे हैं वो सही होगा या आपको कुछ ऐसा मिलेगा जिसकी आप अभी तक अनदेखी करते आ रहे हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा दिमाग शांत करके सोचना होगा, नहीं तो आगे चलकर आपको पछताना ना पड़े, इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा और ये आपको ही सोचना पड़ेगा। दोस्तों, समय अभी कुल मिलाकर आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। भाग्य आपका 87% साथ दे रहा है और आगे आपको कामों में भी सफलता मिलती रहेगी। दोस्तों, अभी के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो। माता रानी आपको स्वस्थ रखे, निरोगी रखे। धन्यवाद। अब बात करते हैं शुभ रंग और शुभ अंक की। तो आज आपका शुभ रंग है आसमानी कलर और शुभ अंक है 8। दोस्तों, भाग्य साथ देगा तकरीबन 81%। तो दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो। मंगलमय।